हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, क्योंकि हम भी ठीक ही हैं। वैसे लग रहा है कि ठीक होना ही चाहिए आप सभी ने। मैं भी थोड़ा चल रही है नॉर्मल लाइफ। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम दोपहर काफ़ी ज़्यादा हो गया, 3 बज चुके हैं। तो और हमारी सुबह भी हो रही है, हमारी सुबह रोज़ ही लेट होती है वैसे। तो आज हमने ब्रेकफास्ट करके तो हम आए थे बाहर, क्योंकि बाहर काफ़ी अच्छी धूप है। तो और बाहर बैठ के ऐसा थोड़ा रिलैक्स फील होता है, क्योंकि अंदर थोड़ा अंदर भी अच्छा ही होता है कि अकेले रहो। तो अकेला काफ़ी बेटर फील होता है कि अकेले हैं, जो करना है अकेले बैठ के करना है, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं ना, जो करना है खुद ही करेंगे। तो आज आए थे बाहर, तो अभी थोड़ा टाइम तक आ जाएंगे ट्यूशन के बच्चे, उनको पढ़ाएंगे ट्यूशन। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि मेरी फ्रेंड की मेरे को कॉल आई थी कि कहता कि मैं आऊँगा शाम को तेरे से मिलने। जो आने वाला वो काफ़ी पुराना दोस्त है मेरा, काफ़ी 4-5 साल पुराना। तो काफ़ी दिनों के बाद आया वो भी घर पे, तो भी पंजाब होता है मैक्सिमम स्टडी के लिए। आज आएगा तो अब जब आता है तो मिलवाता हूँ आपको उससे, फिर करते हैं आगे का सीन। तो कल आया है दिनों के बाद आया रोहित, तो रोहित से करते हैं बात चात की काम पे होता है आजकल, काम पे नहीं। तो रोहित क्या बोलेगा? वो स्पेशली व्लॉग इसलिए है क्योंकि मैं हर्ष के घर आया हूँ, और क्यों आया हूँ इसके पीछे एक काफी बड़ी स्टोरी है, और ये स्टोरी खुद हर्ष बताएगा आपको अपने मुंह से। क्यों हर्ष? वो स्टोरी भाई लोग ऐसी है कि हमारी सहेली हमें छोड़ के टोर की सी ये कहते हैं उस बात का दुख प्रतीत करवाने आया है कि मेरे को बहुत ज्यादा दुख है कि तेरी सहेली तेरे को छोड़ के चलेगी, और देखो कितना निकम्मा दोस्त है, सहेली मेरी छोड़ के गई है और दुख मेरे को मनाना चाहिए। कहता मैं हम दोनों साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, हम दुख को भी सेलिब्रेट करते हैं साथ में। यो दुख यहाँ पे लगा होना सेलिब्रेट साला ही करेगा। दुख सही बात है ब्रावा, और तू भाई का दुख सेलिब्रेट करेगा। और दुख सेलिब्रेट करना चाहिए ब्रावा, खुशी बनानी चाहिए। ऐसे दोस्त होने चाहिए जो दुख को भी सेलिब्रेट करें। और क्या, सबको नहीं मिलते ना ऐसे तो क्या बोलेगा? कितने दिन के बाद आया तू? मैं 31 को आया था अभी। 31 का जब जाना हो तो चलो फिर मिलके आते हैं, कल हमने जाना है तो चलो आज फॉर्मेलिटी पूरी करके आते हैं। अभी नहीं मिलना जरूरी है, बंदे तो हेयर स्टाइल देखो पूरा बब्बू मान बड़ा हुआ है। बब्बू मान नहीं यार, बाल बस ऐसे ही थोड़ा बिजी था, एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे उसकी वजह से। तू सुना क्या चल रहा तेरा आज? अपना कुछ नहीं, अपना सबको पता कि क्या चल रहा है आजकल के आड़ी सही है सही है सही है। और ये कुछ बच्चे हर्ष के हर्ष के बच्चे मतलब हर्ष के बच्चे नहीं है, ट्यूशन के बच्चे, हर्ष इनको ट्यूशन पढ़ाता है। गलत मत समझना। कितने बच्चे थे बस? 5 ही आजकल टोटल। 5 आज? नहीं, टोटल सारा अपना ही है, पूरे इलाके पूरा अपना है। जिसने भी आना तो आ सकता है, जिसने भी एडमिशन लेनी है उसके पास वो आ जाए, कॉन्टेक्ट नंबर में दे दूँ। और लेनी है पर देनी नहीं है। एडमिशन लेनी है जिसने। सबसे पहले आज लेके आया रोहित मोमोज, सबसे पहले खाते हैं मोमोज, बाकी बातें करते हैं बाद में। और जो भी मेरे से मिलने आता है ना, कम से कम कुछ खाने के लिए लेके आया करो, ताकि खाने के बाद हम दूसरी बातें किया करें। समझ रहा ना रोहित, मोमोज लाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आप खा रहे हैं हमारे मोमोज, हमारे हाथ से आए हुए मोमोज आप खा रहे हैं। हाय आप, लेकिन ये है कि मोमोज खाने में एक बंदा यहाँ पे मिस हो रहा है। रोहित मिस गैस कर सकता है कि वो बंदा कौन है? अभी सबको पता ही है कौन है वो बंदा। कौन है? कौन है तू बता। हाँ वो बंदा रह गया, अब कोई बात नहीं, अगली बार उसको भी लेके आएंगे। चलो कोई ना, चेक कर सकते हो गाइस, मोमोस आप जो इस प्राणी ने लाए हैं, इस प्राणी का नाम आप सभी को जान चुके होंगे कि इस प्राणी का नाम क्या है। डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, ओह तो जान लेना सब। आओ तो मोमोस वोमोस हमने खा ही लिए था, जो बचे हुए हैं इनको हम भेज देते हैं अपनी किचन में, खा के जनाब हो गए हैं फ्री।
चटनी बड़ी टेस्टी है भैया, अगर अभी वीडियो देख रहा हूं टेस्टी चटनी बनाई है। हाँ हाँ इतनी ज्यादा मिर्ची, ओहो कॉल आ गई। अगर खा लिया तो अभी हम हो चुके हैं फ्री। तो आपको मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ, हम काफ़ी पुराने दोस्त रहे हुए, मतलब कि काफ़ी ओल्ड फ्रेंड्स बोल सकते हैं, कि 9th 10th के साथ में, 9th 10th में पहले मैं और ये थोड़े कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, तो अब दोस्त बन चुका है। वो भी एक खास बंदा आया था, ऐसा बोल सकते हैं कि हमने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं कि लोगों के घर पे जाके आग लगाई हुई है। बड़ा हरामी हो बेटा, लोगों के घर पे आग लगाई हुई है मतलब ऐसी लड़ाई लड़ुई वाली थोड़ी और ज्यादा नहीं। पर एक बंदा जो अभी जिसको हम मिस कर रहे हैं वो अपना आया नहीं जिगरी। कोई बात नहीं, अगली बार प्रॉमिस करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में हम जब साथ होंगे वो बंदा पक्का आएगा। और वो बंदा इतना खास है कि हमारे दिल के करीब है और आता जाता हमारे साथ ही रहता है, लेकिन इसका यह है कि ये ज़्यादा पंजाब में रहता है स्टडी के रिलेटेड, वहाँ पे रहने के चक्कर में इधर कम आता है, तो इसलिए हम थोड़े बिछड़ गए हैं। तो मैंने कल चले जाना था तो मैं चल लास्ट टाइम एक बार हर्ष से मिल के जाता हूँ, तो हर्ष बताएगा आपको आगे की कहानी। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि ये जाने वाला है, तो मैं और मनमीत ने पीछे अकेले हो जाना कि हमारा तीनों का ग्रुप था कि मतलब हम तीनों साथ में रहते थे, मैं ग्रुप काफ़ी बड़ा था, लेकिन है कि हम तीन काफ़ी जोर से हाँ, लेकिन इसका इसके जाने के बाद ये हुआ कि हम तीनों अलग अलग हो गए। मैं और मनमीत अभी काफ़ी क्लोज हैं, वो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन यह है कि ये बाहर निकल गया उसके चक्कर में, निकल नहीं गया मतलब इसको हमने निकाल दिया है अपने जब बेचती है जब मुझे स्टडीज के चक्कर में जाना पड़ता है मजबूरी है। और इसको जम्मू में रखे ना हम इतने ही जो तू दो तीन दिन आया ना इतना ही बड़ा दिल्ली मजबूरी होती है यार, बंदे की मजबूरी होती है। ओ इसको अमृत मान का सॉन्ग मन क्रीत का सॉन्ग सुनाओ मजबूरियाँ सही है सही है सही है। तो मतलब काफ़ी पुरानी यादें ताज़ा होती हैं हम सब साथ बैठते हो, ये है कि तो, मतलब कि मेरी इंजरी के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो गया, जिसके बाद भी हम साथ में हैं, पहले भी साथ थे अभी भी साथ ही हैं। ऐसा होता है कि मेरे बड़े दोस्त हैं जो बंदे खास होते हैं कि बड़े टाइम बड़ी बार रोड के बीच से जाएंगे ऐसे सलूट मार के जाएंगे ऐसे करके, मैं भी उनको ऐसे करूंगा, लेकिन यह है कि आएंगे नहीं रोड में घर ऊपर नहीं आएंगे, तो मैं उन्हें बुलाता भाई आना तो आओ नहीं आना तो आपकी मर्जी, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा, जो मैं जिसने आना हो वो तो घर से भी आ जाता है मिलने, जो रोड तो घर के पास ही है, इसमें क्या कि आते भी हैं लोग जाते भी हैं इतना कोई शक्कर नहीं है। पर यह होती है कि अगर जिसको हम दोस्त बोलते हैं एक बार उसके साथ दोस्ती निभाओ, जो हम निभाते मैक्सिमम से नहीं निभाई हुई है, जो एक दो होना क्या सिद्धू मूसे वाले की बात है जो क्या चलाकियाँ करके चल गए होने आज भी कहते होंगे कि असी माड़े हैं। हाँ भाई असी माड़े हैं माड़े हैं भाई क्या कर सकते हैं, असी तो कल भी माड़े सी अज भी माड़े हैं के लिए माड़े हैं गेम के लिए चंगे हैं, वो ज़्यादा मैटर उनके लिए करता कि जिनके लिए चंगे हैं, माड़े तो वही बात है कि बुरा तो लोग भगवान को ही बोलते हैं, हम तो फिर इंसान हैं और हम इंसान हैं इसलिए हम माफ़ किसी को करते ही नहीं जो एक बार दुश्मनी करता है फिर समझता कि हाँ दुश्मन है तो दुश्मन है, लोगों से ना फर्क नहीं पड़ता हमें यार, ज्यादा दिमाग नहीं है हमारे पास, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता यार, लोगों की बात नहीं है, जिगरी होते हैं ना जो अपने बंदे वो अपने होते हैं यार, जो अपने साथ कल रहते थे आज बोलते हैं कि कौन है, जो दिल से साथ होते हैं भाई वो कल भी साथ थे आज भी साथ थे, हम हैं दो चार बंदे, हमें ज्यादा बंदों की जरूरत ही नहीं है, सही बात जो है ठीक है, हम बेशक मतलब इतना साथ नहीं रहते बट फिर भी दिल से मतलब जब मिलते हैं तो ऐसा फील होता है कि हम पुराने ही हैं, ऐसा थोड़ी है कि देख अगर तू जाएगा रोड में से तो सलूट मार के जाएगा, ऐसा नहीं होता यार। अब ये बंदा जो वीडियो देख रहा है उसको पता चली गया होगा कि बंदा कौन है, ऐसे नाम नहीं लूंगा कि कौन है कौन, मतलब इनडायरेक्ट शॉट कर रहा है ऐसा करना पड़ता है कभी, मतलब फ्रेंडशिप ये नहीं होती कि मतलब हाँ आप बैठ गए साथ में ये वो या खा पी लिया, ये नहीं होती यार, मतलब फ्रेंडशिप होता है कि हाँ बंदा दिल से कनेक्टेड हो, मतलब बेशक मिले ना जब कॉल करें साथ में बैठ के मिले ना बंदे, कभी ये ना लगे कि हाँ बंदा हमें साल से या दो साल से मिला नहीं है, हम भी आज मतलब कि लास्ट टाइम आया था कि 31st December को, वो भी मैं उनकी कॉल पिक नहीं कर रहा था, तो मैं सोया हुआ था बेसिकली, हुआ गया था उसे मैं जल्दी सो जाता हूँ 7-8 बजे 10 बजे वापस उठ जाता हूँ, क्योंकि फिर रात को नींद मेरे को 10 बजे उठ के कहाँ आनी होती है, मेरे को नींद ही शाम के टाइम आती है ज़्यादा, तो उस दिन मैंने इनकी कॉल शॉल पिक नहीं की, तो और ये आ गई इसको तो शुक्र बनाओ हम इधर आने देते हैं इतना ही काफी है इसके लिए
तो धन्यवाद किया कर हमें और मनमीत का, फिर हम जाएं जो इतना नहीं देते हैं। अगली बार पक्का जल्दी आ जाऊंगा, इस बार थोड़े एग्जाम्स वगैरह की वजह से मैं डिले हो गया, नहीं तो मैंने पहले आ जाना था। हाँ हाँ, जो पता है स्टार्ट पता कब करेगा, ऐसे बोलेगा कि हाँ मैं जनवरी में आने वाला हूँ, इसकी जनवरी आज स्टार्ट करेगा, जनवरी में आने वाला, अगली जनवरी में आएगा, फिर ड्यूटीज वगैरह भी होते हैं हॉस्पिटल में, तो आया तो बड़ा बड़ा ये बात बोल के ना, ये मतलब टीज करते हैं बंदे, तेरे को ऑलरेडी टीज कर सकती है, मैं दिखनी तो अपना सही है यार। या एक बार था क्या, सुनो हमारे पास स्प्लेंडर बाइक हुआ करती थी जिसपे हम पांच बंदे बैठने लगे, काफी पुरानी बात है ये, और उसकी चेसी टेढ़ी होगी, मतलब बाइक बीच से टूट गई, हम पांच बंदे बैठे थे उस पे, स्प्लेंडर पे भी पांच बंदे ने गेड़ी मारी हुई, सही बात। और वो स्प्लेंडर क्या बाइक थी यार, वो बाइक बेचती तो नहीं भी है जब वो बेचती है, उसका न्यू लिया स्प्लेंडर, स्प्लेंडर ही थी, हर बंदे ने चलाई हुई, हर बंदे के पास थी भाई, कि किसी को ना नहीं करते थे कि तू ना चला, वो सब की बाइक थी, सब की बाइक थी। आहो, एक बार ज्यादा मणिमीत ने बाइक ठोकी थी ठंडे हुए काफी पुरानी पुरानी किस्से याद निकल रहे हैं आज हमारे, अब भी ज्यादा किस्से याद कर रहे हैं, ज्यादा किस्से निकाले, अरे ज्यादा किस्से निकल के ना काफी लोग ऑफेंड हो जाएंगे हमारे इस वीडियो से, तो हम भगवान क्या जुलम है जाते भाई सब मिलके रोज साथ में। और मैं बस ये बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप किसी के साथ भी दोस्ती, या चाहे लड़की है चाहे लड़का है, जिसके साथ भी आप एक बार दोस्ती लगाते हो ना, तो भाई दोस्ती नहीं वाया कर दिल से, ठीक है, ये नहीं कि खा लिया साथ में बैठ के तो बाद में बोले हाँ भाई हम तो इसको जानते ही यार, और सलूट थोड़े कम मारा करो, जाना तो ऐसे रोड की तरफ से चला जाएगा, जनता माफ नहीं करेगी, है अपना खास सलूट मारो भाई, मैं भी सलूट मारूंगा, नहीं वो मारता हर जगह, फिर सही है सही है, मतलब असूल यही है कि दोस्ती दिल से, अगर दुश्मनी दुश्मनी भी दिल से, दुश्मनी दिल से बिल्कुल, लेकिन सलूट नहीं सलूट वाले कम चंगे नहीं है यार, सलूट भरावा कुड़िया मार सलूट तो गल भी है, पहले तो मुंडे मार रहे सलूट चंगे लग रहे हो, सही है सही है सही है। चलो गाइस काफी देर बाद मिले थे हमने, जो ब्लॉग इसको हम भेजते हैं अपने घर से बाहर, हमें जानो निकल कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान की, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये अपना भाई है रोहित, तो ये भी ब्लॉग शूट्स करता है, मतलब काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता है, तो मैं आपको सभी को ट्रस्ट दिलवा सकता हूँ अपनी तरफ से, किस बंदे की जाके वीडियो देखो एक बार, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन क्या बात है ब्रावा, अपन देसी बंदे हैं ठीक है, ज़्यादा ना बोलिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप जरूर चेक करें, तो इस वीडियो को इधर रोकते नहीं है, इसको हम अपने घर भेजते हैं, उसके बाद का देखते हैं सीन, रोहित चले रोहित चले जाता फिर, उसके बाद मैं भी लेट जाता हूँ क्योंकि शाम देरा पड़ गया था, बाहर रात हो गई थी, तो करना शरना कुछ है नहीं है आज रात को, तो सोच रहा हूँ कि आज कोई मूवी भी देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो, तो ऐसे अपनी सपोर्ट करते रहें, तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।